हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आज आपको आरसीसी बताऊंगा। वो आरसीसी में वन बे स्लैब का डिज़ाइन बताऊंगा लिमिट स्टेट मेथड से, ठीक है। तो मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में वन बे स्लैब का डिज़ाइन बताया हूं, लेकिन वहां पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बताया हुआ था, WSM मेथड से। तो आज मैं आपको लिमिट स्टेट मेथड से बताऊँगा। देखिए, दोनों मेथड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत बहुत ही कम डिफरेंट है। अब वो जहाँ पे डिफरेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको लिमिट स्टेट मेथड बहुत अच्छे से आ गया है समझ में, अगर आपने लेक्चर को देखा हुआ है तो। वर्किंग स्ट्रेस बहुत बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वन बे स्लैब क्या होता है। वैसे स्लैब दो टाइप का होता है, एक होता है वन बे स्लैब और दूसरा होता है टू वे स्लैब। दोनों में डिफरेंट क्या है, डिज़ाइन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्लैब वन वे है या टू वे है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका स्लैब का साइज कुछ न कुछ तो दिया ही होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो लेंथ दिया गया है, एक लेंथ मान लीजिए आपका ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स और वाई ये दो अलग अलग स्पैन में आपको दिया गया है। अब इसमें आपका एक शॉर्ट स्पैन होगा और एक लॉन्ग स्पैन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर हम एक्स को मान लेंगे कि ये शॉर्ट स्पैन है और वाई को मान लेंगे ये लॉन्ग स्पैन है। ये हो गया आपका शॉर्ट स्पैन, यानी ये लेंथ आपका जो है छोटा है कंपेयर टू इसके, और ये है लॉन्ग स्पैन, ठीक है। मैं यहाँ पर L और B मान सकता था, लेकिन जानबूझकर कि L और B नहीं माना हुआ है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखा जाए तो इसको L मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, लेकिन जब भी डिज़ाइन करते हैं हम तो हमेशा वहाँ पर लेंथ L लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट स्पैन होता है वो लेकर के चलते हैं। तो B मान लेंगे तो कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने एक्स वाई मान लिया है। और यहाँ तो केवल आपको समझना है बस कि यहाँ पर कौन सा स्लैब है, वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। तो अगर मान लीजिए ये जो लॉन्ग स्पैन है आपका वाई, वाई इज ग्रेटर देन टू इंटू एक्स, अगर इस वाई का वैल्यू टू इंटू एक्स से अधिक होता है तो ये आपका वन वे स्लैब होगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा आपका, ये वन वे स्लैब हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग स्पैन इज ग्रेटर देन टू इंटू शॉर्ट स्पैन, ठीक है। और अगर मान लीजिए वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू इंटू एक्स, तो दिस इज टू वे स्लैब। बहुत सिंपल सा पहचान है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वन बे स्लैब का पहचान क्या है, आज मैं आपको वन बे स्लैब बताऊंगा। तो यहां मैं लिखूंगा कि जो लॉन्ग स्पैन है आपका, लॉन्ग स्पैन इज ग्रेटर देन टू इंटू शॉर्ट स्पैन। ज्यादातर क्वेश्चनों में लॉन्ग जो स्पैन दिया है वो नहीं देता है वन बे स्लैब में, केवल एक ही लेंथ देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वन बे स्लैब है। वन वे स्लैब में हमेशा एक ही लेंथ देता है, क्योंकि दूसरा लेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है और उस लेंथ का हम कोई यूज भी नहीं करते डिज़ाइन में, ठीक है। उस लेंथ को हम एक मीटर मान लेते हैं, जो लॉन्ग स्पैन है ना उसे एक मीटर मान करके हम डिज़ाइन करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहचान। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमेशा शॉर्ट स्पैन लेके ही आप डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब कैसे निकालेंगे। पहला स्टेप हो जाएगा हमारा ये डेप्थ ऑफ स्लैब, कैपिटल डी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, यहां पर आप ये देखेंगे कि यदि जो वहां पे लोड दिया गया है सुपर इंपोज्ड या लाइव लोड, इफ W इज इक्वल टू, या जो W है आपका, W का वैल्यू कम है 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से।
अगर लोड 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम दिया गया है तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू 40 इंटू एल, जहां पर L क्या है, L है आपका शॉर्ट स्पान, L क्या है आपका शॉर्ट स्पान, वेयर L इज इक्वल टू शॉर्ट स्पान, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप विशेष ध्यान देंगे कि L का वैल्यू आप मीटर में रखेंगे हमेशा, किसमें रखेंगे, मीटर में, लेकिन जो D का वैल्यू आएगा, L का वैल्यू मीटर में रखेंगे लेकिन D का वैल्यू हो जाएगा मिलीमीटर में, बिना चेंज किए ही उसे हम मिलीमीटर में लिख लेंगे। उसका मेन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि IS कोड ये कहता है कि हर एक मीटर के लेंथ पे 40 mm डेप्थ ऑफ स्लैब होना चाहिए। क्या मैंने बोला आपसे, एक मीटर लेंथ होने पर 40 mm का डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। तो यानी वहां पर लेंथ मीटर में लिया गया है और यहां पर डेप्थ हम किस में ले रहे हैं, मिलीमीटर। ये ऐसा कंडीशन है, ऐसा IS कोड ने कहा हुआ है, तो इसलिए हम L का वैल्यू हमेशा मीटर में रखेंगे लेकिन लिखेंगे किस में, मिलीमीटर में। अगर मान लीजिए आपका लोड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, या कह सकते हैं लोड इज इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 10000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक दिया गया है, तब आपका D का फॉर्मूला हो जाएगा 60 इंटू एल, ठीक है, 60L से हम निकालेंगे। ओके, बात समझ में आई आपको। तो ये हो गया D निकालने का फॉर्मूला। अब हम, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया, हम यहां पे निकाल लेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब यानी कि स्मॉल डी। स्मॉल डी निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर, और इफेक्टिव कवर आप यहां पर कितना ले लेंगे, 20 mm तक ले लेंगे, ठीक है, 15 से 20 mm तक आप ले लेंगे। वैसे कवर निकालने का फॉर्मूला भी होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है और आज फिर से बता देता हूं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप यहां पे जो हम कवर यूज करते हैं वो बॉटम कवर होता है या टॉप कवर होता है स्लैब का, तो कवर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूं आपको यहां पर नोट, कवर कैसे निकालते हैं, कवर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अगर बॉटम या टॉप पर लेते हैं तो डाया ऑफ मेन बार या 15 mm, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा कवर, ठीक, टेक मैक्सिमम वैल्यू डाया ऑफ मेन बार या 15 mm, ये हो जाएगा आपका कवर। लेकिन इफेक्टिव कवर और कवर दोनों में डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट क्या होता है, इफेक्टिव कवर होता है आपका कवर प्लस डाया ऑफ मेन बार बाई 2, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम 15 mm तक का कवर ले लिए और डाया आपने 10 mm का यूज किया, तो 10 कहा 5 हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो प्रॉक्स हम लगभग 20 mm का कवर लेकर के चलते हैं। तो डिजाइन करते समय ये आपको इतना सब कुछ एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, आप 20 mm मान लेंगे, लेकिन मैंने ये इसलिए आपको बता दिया कि क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम में, JEE एग्जाम वगैरह में ये सब चीज़ पूछ लेता है कि कवर ऑफ स्लैब कितना होना चाहिए, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि डाया ऑफ मेन बार और 15 mm में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है कवर, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया इस चीज को, ठीक है। अब कवर की बात आई है तो मैं आपको एंड कवर भी बता देता हूँ, वैसे एंड कवर की यूज नहीं होगा यहाँ पर, डिज़ाइन में कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ एंड कवर यानी कि जो सबसे किनारे पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वहाँ पर सपोर्ट के पास में वहाँ पर क्या कवर होगा, एंड कवर इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 25 mm या 2 इंटू डाया ऑफ मेन बार, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होता है
वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। आईएस कोड कहता है कि 25 mm या 2x डाया मेन बार, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम होगा उससे कम नहीं लेना चाहिए या वही वैल्यू ही लेकर के चलना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहां से हमें स्मॉल डी मिल गया। नंबर थर्ड पे चलते हैं अब हम निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का फॉर्मूला होता है कैपिटल एल प्लस डी और कैपिटल एल प्लस विथ ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा कहला जाए इफेक्टिव लेंथ, विच इवर ऑफ मिनिमम वैल्यू। बात समझ आई? तो ये हो गया स्मॉल एल निकालने का फॉर्मूला। ये भी बहुत एग्जामों में पूछता है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, जेई के एग्जामों में ना ये जो मैं आपको डिजाइन बता रहा हूं ना, इसी में से छोटे छोटे पॉइंट बना करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर पूछता है। यहां तो मैं पूरा आपको डिजाइन बता रहा हूं, इसके डिजाइन का हर एक स्टेप से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आरसीसी में। तो आप डिजाइन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है तभी आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है आपका। नंबर फोर, अब हम लेंगे विथ ऑफ स्लैब। मैंने आपसे बताया था ना स्लैब का विथ कितना लेके चलते हैं, 1 meter लेके चलते हैं। 1 meter स्ट्रिप मान लेते हैं वहां पर 1 meter, या कह सकते हैं 1000 millimeter। तो यहां से आपको एल बी और डी ये तीनों वैल्यू पता चल गया। एल बी और डी तीनों का जब वैल्यू पता हो गया तो अब हम निकालेंगे लोड। लोड में भी एक लोड तो आपको दिया गया है जो लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड ऑन स्लैब, जो स्लैब के ऊपर लोड लगा हुआ है वो दिया गया है, लेकिन स्लैब का सेल्फ वेट भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। नंबर फिफ्थ ऑप्शन होगा हमारा लोड। लोड में भी नंबर ए पॉइंट आपको दिया गया है लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड। इम्पोज लोड मान लीजिए आपका W1 है, तो यहाँ पे W1 लिख लेते हैं। चलिए W1 इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू ऑलरेडी दिया होगा, ये वैल्यू आपको गिवन होगा। हमें निकालना क्या है, सेल्फ वेट ऑफ बीम, सॉरी सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे W2 का। क्या होता है फॉर्मूला, 1 × 1 × D × 25000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये 1 × 1 क्यों लेते हैं, यहाँ पर हम लेंथ और ब्रिथ दोनों एक एक मीटर लिए हुए हैं, क्योंकि लोड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ RCC। तो लेंथ 1 meter ले लेते हैं, ब्रिथ 1 meter ले लेते हैं, तभी तो आपका ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, यानी कि एक यूनिट एरिया पे हम यहाँ पे लोड निकालते हैं। इंटू कैपिटल डी टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब ले लेंगे, कभी भी स्मॉल डी नहीं लेते, कैपिटल डी लेते हैं, क्योंकि वेट तो पूरे स्लैब का ही होता है, टोटल डेप्थ इसलिए लेते हैं। और 25000 ये क्या है आपका, 25000 है आपका डेंसिटी ऑफ RCC। यहाँ से दोनों वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें टोटल लोड W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब W निकालने के बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नंबर सिक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम कैपिटल एम है इक्वल टू WL² / 8। यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। अब नंबर सेवन पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर चेक इन डेप्थ। ठीक है, नंबर सेवन हमारा स्टेप हो जाएगा C
CNA या पूरा नाम लिख देता हूँ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, x इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। ये हमेशा टर्म्स ऑफ डी के पदों में आप निकालेंगे, यानी यहाँ पर स्मॉल m का वैल्यू रखेंगे, स्मॉल m को बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी आपका होता है परमिसिबल स्ट्रेस और d होता है स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ। तो d का वैल्यू नहीं रखेंगे, m सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी का वैल्यू आप यहाँ पे रख करके CNA का वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है M15 यूज करेंगे तो 0.39D आएगा, M20 यूज करेंगे तो 0.28D आएगा, बट आपको याद नहीं करना है सब चीज़ें क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो कुछ भी दे सकता है, तो आप कितना वैल्यू याद रखेंगे। वैसे भी ये वैल्यू आपको IS कोड में मिल जाता है, तो IS कोड की भी इतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप फॉर्मूले को याद रखिए, केवल सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी एम का वैल्यू ही तो आपको रखना है, वो वैल्यू रख दीजिए आपको एक्स का वैल्यू मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ स्मॉल m क्या होता है, मॉडुलर रेशियो। स्मॉल m ये कैपिटल m है, ये स्मॉल m है, दोनों को आप सेम नहीं समझेंगे। स्मॉल m होता है मॉडुलर रेशियो। अगर मान लीजिए M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तो स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा 18, और यदि M20 का वैल्यू यूज किया गया है तो स्मॉल वैल्यू का हो जाएगा 13.33। सिग्मा सी बी क्या है आपका, सिग्मा सी बी है कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट या परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कह सकते हैं, तो यह परमिसिबल स्ट्रेस में लिख दे रहा हूं यहां पर, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। अगर M15 ग्रेड का यूज करते हैं तो सिग्मा सी बी का वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और अगर यदि M20 यूज करते हैं तो सिग्मा एस टी का वैल्यू हो जाएगा 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एस टी क्या होता है आपका, सिग्मा एस टी होता है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, अगर Fe 250 ग्रेड का स्टील यूज किया जाता है तो आपका जो सिग्मा एस टी का वैल्यू हो जाएगा 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और यदि Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज किया जाता है तो सिग्मा एस टी का वैल्यू हो जाएगा 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू मैं लिख दिया जो भी आपको CNA में यूज किया गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका है यहाँ पर। तो 7 स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 8। अब हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिसको हम लोग MR बोलते हैं। MR इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, BX सिग्मा CB बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अब देखो बी विथ ऑफ बी का वैल्यू हमें नहीं रखना है, एक्स का वैल्यू जो डी के टर्म्स में निकाल ले उसे आप रखेंगे, सिग्मा सी बी का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू नहीं रखेंगे, एक्स का वैल्यू वही डी के, यानी बी और डी का वैल्यू आपको नहीं रखना है, बाकी सभी वैल्यू रख देना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो बी डी स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा आपका, ये टर्म्स ऑफ बी डी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 15 यूज करते हैं तो आएगा 0.85 BD स्क्वायर, और अगर हम 20 यूज करते हैं तो 0.64 BD स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, बट आप सॉल्व कर लेंगे इसे। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा Q into BD स्क्वायर, वेयर Q इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ बी डी स्क्वायर, यानी Q कोई डिजिट में आ जाएगा आपका 0.64 या 0.85, इस तरीके से समथिंग कुछ आ जाएगा आपका, तो इसको मैंने Q मान लिया, फैक्टर हो गया आपका ये, और इसी फॉर्मूले से मैं बनाऊंगा चेक इन डेप्थ के लिए। अब हमें डेप्थ चेक करना है कि क्या जो मैंने डेप्थ माना हुआ है ये स्लैब का डेप्थ ठीक है या नहीं। तो यहीं से फॉर्मूला बना देंगे, D इज इक्वल टू अंडर रूट MR अपान Q इंटू बी।
अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, क्यू का वैल्यू आपको पता होगा, बी का वैल्यू 1000 मिलीमीटर है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं मालूम है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आप निकाले हुए हो ना, ये कैपिटल एम का वैल्यू, यही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेयर एम आर इज इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। लेकिन यह जो डेप्थ निकल के आएगा, यह डेप्थ जो आपने पहले से एज्यूम किया हुआ है डेप्थ, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दिस डेप्थ शुड बी लेस और इक्वल टू एज्यूम डेप्थ। अगर इससे कम या इक्वल आता है तो हम कहेंगे हेंस डिज़ाइन ओके, डिज़ाइन आपका करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रीडिज़ाइन करेंगे, और रीडिज़ाइन करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हाँ डी के वैल्यू में हमें चेंज करना होगा। ठीक है गाइज, तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर पूरी तरह से अच्छा लिखा हुआ है, और आप इसे नोट करते चलेंगे अपने रजिस्टर में। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखेंगे ना तो हमेशा नोट करते रहेंगे साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग उसे लाइक कर दिया करेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आरसीसी आपका, ये डिज़ाइन बहुत इजी है, बस आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, फिर आपको टफ नहीं लगेगा। और मैंने जो है एक लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है बनाना, अगर आप पहले प्रीवियस लेक्चर से भी देख लेंगे तो आपको आरसीसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए, और जबकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बस एक बार समझ में आ जाए कि आरसीसी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको आरसीसी बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रीवियस सारे लेक्चर देख लीजिए, ये सब बहुत इजी लगेगा आपको, और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, आगे प्रैक्टिकली भी यूज होगा लाइफ में बहुत ज़्यादा। नंबर 10 स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। देखिए, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला है जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया में बताया है मैंने आपको, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। तो रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, हमें ए एस टी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप ए एस टी का वैल्यू निकाल लेंगे, एम आर अपान सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। यहाँ से ए एस टी निकाल लिया आपने, यानी टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया आपका, क्रॉस एरिया स्टील का आता है। अब हम क्या करेंगे कि इस ए एस टी का निकालने के बाद अब हम स्पेसिंग निकालेंगे। ध्यान देना, बीम में हमेशा नंबर ऑफ बार निकालते हैं, लेकिन स्लैब में हमेशा स्पेसिंग निकालते हैं, कि मान लीजिए कितने जितने एम एम डाया का भी आपको स्टील प्रोवाइड करना है तो वो कितने स्पेसिंग पे यूज करना है, जबकि बीम में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बार निकालते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिंग स्मॉल एस इज इक्वल टू टोटल ए एस टी में से, या ए टी इंटू 1000 डिवाइड बाई ए एस टी। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे स्पेसिंग ऑफ मेन बार। ए एस टी हमें पता है 1000 वैल्यू रखना है, एटी क्या है, एरिया ऑफ वन स्टील बार, एक स्टील बार का एरिया है। एटी कैसे निकालेंगे आप, पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर, जहां डाया क्या है आपका, डाया ऑफ मेन बार,
और डाया आप मेन बार कितना लिया करो स्लैब में, 8 mm 10 mm बस इतना ही लिया कीजिए आप, ठीक है, 8 या 10 mm। अब एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, कंपटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि डाया ऑफ मेन बार एक्चुअल में कितना लेके चलते हैं। यहाँ तो हम डिजाइन करते समय 8 से 10 mm लेके बता सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये मैं आपको एक नोट करके बता दे रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये चीज़ आपको कि डाया ऑफ मेन बार कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ 8 mm लेके चलना चाहिए अगर आप HYSD बार यूज करते हो, और 10 mm यूज करना चाहिए यदि आप माइल्ड स्टील यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील का मतलब होता है FE 250 का ही ग्रेड यूज करना, और HYSD का मतलब होता है FE 415 या 500 ग्रेड का यूज करना। तो हमेशा 8 से 10 mm आप लेकर के चलेंगे, ठीक है, 8 से 10 mm आप लेकर के चलेंगे। उसके बाद या डेप्थ ऑफ स्लैब डिवाइड बाई 8, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आप लेकर के चलेंगे। यानी 8-10 mm में कोई एक ले लेंगे हम, और फिर डेप्थ ऑफ स्लैब बाई 8 करेंगे, इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम डाया ऑफ मेन बार लेकर के चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया ये चीज, आप हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से अपना स्पेसिंग S निकल गया। उसके बाद हम IS कोड कहता ये है कि स्पेसिंग ऐसा नहीं है कि जो आपने स्पेसिंग निकाल दिया वही स्पेसिंग हमें यूज करना है, ऐसा भी नहीं है। हमें IS कोड ये कहता है, नंबर ए S का वैल्यू जो आया हुआ है उसे लिख लेंगे, नंबर बी पॉइंट 3 × D, जहाँ D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, नंबर सी 300 mm, इन तीनों में से जो सबसे कम होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए स्पेसिंग ऑफ मेन बार। यानी इन तीनों में जो सबसे मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो मिनिमम होगा वही ले लेंगे यहां से मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी आप डाया यूज करेंगे लिख देंगे कि मान लीजिए जैसे आपने 10 mm का डाया लिया, तो 10 mm डाया एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर, जो भी स्पेसिंग आएगा उस तरीके से आप अच्छे से बॉक्स बना के बढ़िया से लिख देंगे, वो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बता दूंगा। तो यहाँ से आपको स्पेसिंग मिल गया, ये स्पेसिंग आप याद रखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है कि डाया ऑफ मेन बार का जो स्पेसिंग होता है स्लैब में वो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि इन तीनों में जो सबसे मिनिमम है उससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। बात सुन में आई आपको, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, ये इसे भी आप याद रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का। डिस्ट्रीब्यूशन बार आप कैसे निकालेंगे, ASD, ठीक है। अगर आप HYSD बार लेते हैं और माइल्ड स्टील बार लेते हैं तो अलग अलग उनका परसेंटेज होता है। 0.15% ऑफ क्रॉस एरिया ऑफ स्लैब यानी B × D, ये हम लेके चलेंगे माइल्ड स्टील में, और ASD और 0.12% ऑफ BD ये लेकर के किस में चलेंगे, HYSD बार में। ये जो दोनों मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये JEE एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है ये चीज, ठीक है। अक्सर मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन में आता हुआ कि माइल्ड स्टील में डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लेते हैं, तो 0.15% लेके चलते हैं, और HYSD में कितना लेके चलते हैं, 0.12
परसेंट लेके चलते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आरसीसी के डिज़ाइन में आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं डिज़ाइन की स्टेप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जामों में पूछता है हमेशा। एएसडी निकालने के बाद अब हम यहाँ पर निकालेंगे स्पेसिंग, इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा 80 × 1000 / ASD। 80 कैसे निकालेंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, यानी 80 एक डाया ऑफ में डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एक बार का एरिया हो गया, × 1000 / ASD आप निकाल चुके हो। एक बात और ध्यान देना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमेशा जो स्पेसिंग होता है ना, वो हमेशा मेन बार से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। या इसका जो डाया ऑफ मेन बार यूज करते हैं वो कभी भी जो इसका डाया डिस्ट्रीब्यूशन का डाया ऑफ में डाया उसका है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, वो कभी भी मेन बार से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो स्पेसिंग है इससे ज़्यादा होना चाहिए और इसका जो डाया है वो इससे कम होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान में रखेंगे आप, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया होता है वो मेन बार से ज़्यादा लेकर के नहीं चलते हैं और उसका स्पेसिंग मेन बार से कम नहीं लेके चलते बल्कि ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। फिर ये इसमें भी आईएस कोड क्या कहता है कि इसका स्पेसिंग किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नंबर ए पॉइंट एस का वैल्यू जो होगा उसे हम लिख लेंगे, नंबर बी पॉइंट 5 × इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब ये वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर सी 450 mm, इनमें जो तीनों में सबसे कम वैल्यू होता है उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 12 पे, चेक इन सियर, ठीक है। तो क्या हमारा ये जो स्लैब है ये सियर में सेफ है या नहीं, अब वो स्टेप हम निकालेंगे। चेक इन सियर, इसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे सियर लोड निकालेंगे टाउवी। टाउवी का फॉर्मूला क्या होता है, V/BD, ये आएगा आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में,